हेलो व्यूअर, स्पेशल किचन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज आपके लिए बहुत ही टेस्टी रेसिपी लेके आई हूँ, नमकीन बूंदी, जो बहुत ही क्रंची है, टेस्टी है। और व्यूअर्स, इसका आज मैं रायता भी बनाऊंगी, तो चलिए अभी आपको बताती हूँ इसे बनाने का तरीका, इसे कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले मैं ले लूँगी एक कटोरी बेसन। अब एक बर्तन ले लेते हैं और इसको मैं इसमें डालूँगी। इसे मैंने छान के रखा हुआ है। अभी थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। हमें ये बैटर ना ही ज़्यादा थिक बनाना है ना ही ज़्यादा थिन, तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे हम इसमें। थोड़ा और पानी डाल लेते हैं, ये अभी थिक है। हमारा मेन काम फेंटना ही है, जितना अच्छा ये फिटेगा उतना अच्छा ये बनेगा। हमें इसमें बेकिंग सोडा डालने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर हम अच्छे से इसे फेंटेंगे। कम से कम 10 मिनट तक हमें इसे फेंटना है। थोड़ा सा हम इसके अंदर नमक मिला लेते हैं, रेड चिली पाउडर, और एक चम्मच के करीब ऑयल डाल लेंगे। इसको फिर से चला देते हैं हम। लगातार 10 मिनट हो चुके हैं मुझे इसे फेंटते हुए। मेहनत तो इसमें लगती है, लेकिन फिर इसका रिज़ल्ट भी अच्छा आता है। तो चलो अब हम टेस्ट करते हैं कि हमारा ये बैटर हो गया है कि नहीं। तो एक कटोरी में मैंने पानी डाला है, इसमें हम अभी चेक करेंगे कि हमारा जो बैटर है ये रेडी है कि नहीं, ताकि जब हम तेल में भी डालें तो हमें पता चल जाए कि वो नीचे बैठेगा तो नहीं। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए, ये ऊपर उठ के आ रहा है, इसका मतलब ये तेल में भी परफेक्टली बन जाएगा। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं अभी। तो बूंदी बनाने के लिए मैंने एक पैन में ऑयल लिया हुआ है, जो कि काफ़ी गर्म हो चुका है। हमें इसे हाई फ्लेम पे ही बनाना है। और ये मैंने करछी ली है एक जालीदार, इसके बीच में मैं ये बैटर डालती जाऊंगी। देखिए कितने अच्छे तरीके से ये बनता जाएगा। ये हमारी मेहनत जो है वो रंग लाई है, देखिए कितने सुंदर तरीके से ये बन रहा है। तो चलिए देखिए कितने सुंदर तरीके से बन गया है। इसको थोड़ा चला लेते हैं। तो अगर हम इसे अच्छे से फेंटेंगे नहीं तो ये इस तरीके से बिल्कुल अच्छी बूंदी नहीं बनती है और नीचे बैठ जाती है। तो चलिए इसे अब हम निकाल लेते हैं और ऐसे ही सारे बैटर की बूंदी बना लेंगे। तो देखिए बूंदी को मैंने सर्व कर लिया है, कितनी खिली खिली और बहुत ही सुंदर और कुरकुरी लग रही है। तो व्यूअर्स, इसका मैं रायता बनाऊंगी, आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं। एक कटोरी दही लिया है मैंने, तो इसके अंदर मैं ये पुदीना और मिर्ची, जिसको मैंने पीस लिया है, ये डालूंगी और अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ इसके अंदर। और साथ में मैं डालूंगी थोड़ा सा काला नमक और इसको भी मिक्स कर लेती हूँ। अभी हम इसमें थोड़ी सी बूंदी डाल देंगे, अभी इसको भी मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही यम्मी है ये रायता, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा व्यूअर्स। अगर आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।